अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद, सेहत की बात डॉक्टर सज्जाद के साथ। और बहुत सारी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं जिसमें हेल्थ के बारे में बात होती है। आपकी सेहत अच्छी होगी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमारी ये जो वीडियोस होती हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो है वो हम लोग आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोग इसको आगे से आगे शेयर करें, लोगों को घर बैठे हुए जो है वो आगाही मिलती रहे। आज का मौजू भी बड़ी अहमियत का हामिल है, नाफ का टल जाना। अमूमन जो है ये लफ्ज़ सुनने में आता है और बहुत सारे लोग जो है इस तकलीफ़ को बेयर कर रहे होते हैं और वाकई ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। देखने में तो नज़र तो नहीं आ रही होती मगर जिस बंदे की नाफ टल जाती है उसको बहुत तकलीफ़ होती है। हर टाइम उसका ध्यान जो है वो अपने पेट की तरफ ही होता है। तो इसको प्रोलैप्स ऑफ नोवल भी कहते हैं। जब ये टल जाती है तो पेट में दर्द होता है, अपकाइयाँ आती हैं, नौजिया फीलिंग होती है, बाज़ दफ़ा वॉमिटिंग भी आ जाती है। तो इसका ठीक अपनी जगह पे लाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह हम जो है वो इसको नाफ को जो है वो क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सुबह जब आप लोग सो के उठें तो इसको आपने लेट जाना है सीधा और नाफ के ऊपर एक खाली गिलास जो है वो आपने रख लेना है। खाली गिलास जो है वो अपनी नाफ के ऊपर आप रख लेंगे और इसको जो है वो उल्टा आपने रखना है और इसके ऊपर वज़न देंगे फिर आप गिलास के ऊपर, और इसको जो है वो आप इस तरह जो है इस तरह आप नाफ के ऊपर रख के तो इसको आप वज़न दे के इसको ऐसे रोटेट करते जाएंगे। जब आप रोटेट करते जाएंगे और जब रोटेट होना बंद हो जाएगा तो आप ये समझें कि आपकी नाफ जो है वो अपनी जगह पे आ चुकी है। तो जो आपके हाथ का वज़न है इसको आप हल्का करके तो ग्लास को आप उठा लें। एक दफ़ा ही थेरेपी से करने से बहुत सारे लोगों की जो है वो नाफ बेहतर हो जाती है। ये छोटी सी टिप्स मैंने आप लोगों को दी है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा जगह पर इस तरह के लोग होते हैं जी कि इनको जो है वो शफा है, लोगों की दवा है कि ये नाफ निकाल देते हैं, तो वो अपने हाथ के उंगलियों से भी नाफ को जो है वो टटोल के तो अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। तो ज़रूर इसको जिन लोगों का प्रॉपर पेट का दर्द, बच्चों का, बड़ों का, जवानों का, बूढ़ों का, जिनका भी पेट का दर्द नहीं जाता वो ज़रूर अपनी नाफ को ज़रूर चेक करवाया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम पेन किलर इतनी खा लेते हैं, मैदे की दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खा लेते हैं मगर दर्द वहीं का वहीं होता है। तो कोशिश करें कि इसको भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है कि अपनी नाफ को जो है वो आपने रात को सोते वक्त ऑयलिंग भी करनी है। जी हाँ, जो लोग नाफ़ में ऑयल रखते हैं वो अपनी एज से 5 से 10 साल नीचे दिखते हैं जो लोग रोज़ाना ऑयल करते हैं। वैसे तो जिस्म में 4 जगहों पे अगर आप ऑयलिंग करना सीख जाएं या करना शुरू कर दें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी डैंड्रफ नहीं होगी और आपकी स्किन भी ग्रो करेगी। एक्जेला के नीचे जो है रोज़ाना दोनों साइडों पर आपने उंगली भर के ऑयल लगाना है, उसके बाद नाफ़ में और नाक के दोनों नथनों में आपने ऑयल लगाना है। इससे आपका DNS और पॉलिप्स जो कि अंगूर की तरह गोश्त लटक जाता है, फिर बार बार इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इससे आप लोगों की जान बचत हो जाएगी। तो साइनोसाइटिस को भी आपको जो है वो फेवर मिलेगी। इसके साथ साथ पाँव के जो अंगूठे इन पे भी उंगली भर के आप तेल लगाना शुरू करें तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपकी बचत हो जाएंगी। नाफ में 1400 के करीब जरासीम बताएगी। इसको हम जब नहा के गुसल करके आते हैं तो इसको साफ़ नहीं करते, तो कोशिश करें कि इसको भी साफ़ करें अच्छी तरह, इसको भी वॉश आउट करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहे। उम्मीद है आप लोगों को ये टिप्स पसंद आएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेकी।